काम था। उत्पाद? हाँ, एक्साइज वाला था। उसमें क्या सूचना थी? सूचना यही मिली कि वो सेंटर से ही सूचना मिली थी कि यहाँ एक लड़का ब्लूटूथ लगा के एंट्री कर गया। हाँ, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक कुमार। दरोगा बनने गए परीक्षार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जो परीक्षार्थी था वो एग्जाम में ब्लूटूथ डिवाइस से चीटिंग कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे जब छानबीन की तो उसके पास से कान में ब्लूटूथ लगा हुआ डिवाइस मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवेदा हाई स्कूल का है, जहां मद निषेध अपर का दरोगा का लिखित एग्जाम चल रहा था। इस दौरान एक छात्र जो था वो कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगाया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने सूचना पर जाकर उसे जांच किया तो उसके कान से ब्लूटूथ डिवाइस प्राप्त हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में दिया। पूरे मामले को लेकर प्रशिक्षित SI ऋतुराज क्या कुछ कह रही है, आइए पहले सुनिए। ब्लूटूथ लगाया हुआ था, क्या है मामला? वो परीक्षा के चोरी के इल्ज़ाम में उसको पकड़ा गया है चीटिंग करते हुए। आरोप क्या था, क्या लगाया हुआ था? ब्लूटूथ लगाया था, ब्लूटूथ वगैरह लगाया हुआ था, चीटिंग कर रहा था, इसलिए उसको पकड़ा गया है। किन चीज़ का एग्ज़ाम था मैम? एग्ज़ाम था वो आपका ये SI का ही था, दरोगा। SI दरोगा का एग्ज़ाम था। उत्पाद? हाँ, एक्साइज वाला था। उसमें क्या सूचना थी? सूचना यही मिली कि वो सेंटर से ही सूचना मिली थी कि यहाँ एक लड़का ब्लूटूथ लगा के एंट्री कर गया है और वो चीटिंग कर रहा है जी। इसी आरोप में इसे फिर गिरफ्तार किया गया जी। न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है जी। कहाँ कराने वाला है ये? रूपसपुर का रहने वाला है जी। ब्लूटूथ बरामद हुआ इसके पास जी? ब्लूटूथ तो नहीं था, डिवाइस है और उसमें सिम लगा हुआ है। पूछताछ में क्या कुछ बताया है? कहाँ? पूछताछ में तो ये कुछ नहीं बताया है, बस इसके पास से बरामद हुआ है, ये कंफर्म है। नाम बता दीजिए। नाम? मेरा नाम है ऋतुराज, PSI। थैंक यू मैम। तो आपने सुना कि प्रशिक्षित SI ऋतुराज ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक विद्यार्थी है जो ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा परीक्षा में चीटिंग कर रहा है, जिसको लेकर पुलिस वहां पर पहुंची। और आपको बता दें कि पुलिस जब वहां पहुंची तो उसे जांच पड़ताल किया गया, तो उसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस प्राप्त किया गया, जिसमें सिम लगा हुआ था। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार 10,000 में ब्लूटूथ डिवाइस खरीदा गया था, और जो छात्र है वह पटना में रहकर तैयारी कर रहा था, और वीरेंद्र कुमार नाम है, वैशाली जिला का रहने वाला है, और जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर भेज दिया है। उससे पूछताछ भी की जा रही है कि इसका जो मास्टर माइंड है और किससे उस कॉल पर बात कर रहा था, अभी उस नंबर को भी खंगाला जा रहा है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।